मैं नामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज मैं छोले बनाने जा रही थी तो इंस्टेंट मुझे याद आया कि छोले के साथ भटूरे की भी रेसिपी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंस्टेंट भटूरे और छोले की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने 2 कप मैदा लिया है, ये ऑयल फ्राई करने के लिए और मोयन डालने के लिए 3 उबले आलू हैं, 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1/4 कप सूजी यानी रवा, 1/2 कप दही, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले मैं भटूरे बनाऊंगी। इसमें 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला, ये सूजी यानी रवा ये मैंने 1/4 कप सूजी ली है, दही 1/2 कप और ये 1/2 स्पून हमने बेकिंग सोडा लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, 1/2 स्पून है और इसमें हम ये देखिए 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। ये देखिए 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया और इसको हम ऐसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको हमें ऐसे मिक्स करना है। इसे मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें फ्रेंड्स ये देखिए, हमने महीन वाला एकदम बारीक वाला हमने ग्रेटर लिया है, इसको ऐसे हम ग्रेट कर लेंगे। बॉयल्ड आलू को हम ऐसे ग्रेट कर लेंगे इसी में मैदे में। ये देखिए एकदम महीन वाला ग्रेटर आपको यूज करना है इसमें। देखिए ये तीनों बॉयल्ड आलू ऐसे ही हम ग्रेट करके इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐसे ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने तीनों आलू को इसमें ग्रेट कर लिया है और एकदम महीन वाले ग्रेटर से आपको ग्रेट करना है और हम इसको अब मिक्स करेंगे। ये देखिए हाथ से ऐसे मिक्स करेंगे। देखिए ऐसे मिक्स कर लेंगे हम और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें एक सॉफ्ट डो बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें डो बनाना है फ्रेंड्स। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम सॉफ्ट डो बना लेंगे। अच्छे से इसको चलते हुए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए और सॉफ्ट डो बना लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, डो हमारा बनके तैयार है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो हमने बनाया है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है और इसको हम देखिए इस पे हल्का सा ऑयल लगा के ऐसे ढक के हम 15 मिनट के लिए रख देंगे फ्रेंड्स। तब तक हम अपने छोले की रेसिपी बनाएंगे। जब तक हमारा भटूरे का आटा सेट हो रहा है तब तक हम छोले बना लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमने 1.5 कप काबली चने को 4-5 घंटे भिगो के इसको बॉयल कर लिया है और बॉयल करते समय हमने इसमें 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 टी बैग हमने डाल के ये देखिए बॉयल कर लिया है, जिससे छोले का कलर इसमें अच्छा सा है। 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल, थोड़ी हरी धनिया, 1 प्याज को हमने कट कर लिया है, 1 इंच अदरक और 8-10 लहसुन की कलियों को हमने ग्रेट कर लिया है, 100 ग्राम पनीर को हमने क्यूब शेप में कट कर लिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है और 2 हरी मिर्च को हमने लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। ये थोड़े मसाले हैं फ्रेंड्स, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो लाल मिर्च डाल सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए आप एक कढ़ाई लेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे। अब इसमें 1 छोटा चम्मच ये देखिए ऑयल डालेंगे। ये देखिए 1 छोटा चम्मच हमने ऑयल डाला और ऑयल के गर्म होने तक का वेट करेंगे। देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने 100 ग्राम पनीर ली थी इसको हम पहले भून के निकाल लेंगे। देखिए ऐसे मीडियम फ्लेम में इसको भून के निकाल लेंगे, हल्का सा ब्राउननेस इसमें आ जाए, बस इतना भूनना है हमें कि हल्का सा ब्राउननेस आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ब्राउननेस थोड़ी सी आ गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए पनीर हमारा भुन गया है, इसको हम अब निकाल लेंगे।
अब ये ऑयल जो हमने लिया था, एक बड़ा चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे, देखिए, और ऑयल के गरम होने तक का हम वेट करेंगे। ये देखिए ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें हम प्याज जो हमने कट किया था, ये हमने एक छोटी प्याज ली है फ्रेंड, इसको ऐसे हम भून लेंगे मीडियम फ्लेम में। फ्रेंड्स हमको भूनना है सारे मसाले, प्याज सब कुछ मीडियम फ्लेम में ही भूनना है, तो फ्लेम अपनी मीडियम ही रखिएगा। हल्का ब्राउन होने तक हम प्याज को भून लेंगे। ये देखिए प्याज हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम ये जिंजर गार्लिक जो हमने ग्रेट किया है, इसको हम डाल के भून लेंगे। ये हरी मिर्च डालेंगे इसमें और एक मिनट तक ऐसे हम भून लेंगे। ये देखिए एक मिनट तक ऐसे हम भून लेंगे। जिंजर गार्लिक भून गया है। अब इसमें हम ये कसूरी मेथी हमने हाथ से क्रश करके रखी है फ्रेंड्स, हाथ से क्रश करके कसूरी मेथी डाली है। अब इसमें कसूरी मेथी पहले डालेंगे, फिर ये जीरा पाउडर, और इसको पहले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जीरा पाउडर को मिक्स कर लेंगे, धनिया पाउडर और ये गरम मसाला सब डाल के हम भून लेंगे। फ्रेंड इसमें हम गरम मसाला साथ में ही डाल रहे हैं सारे मसालों के साथ। ये देखिए सारे मसालों को हम एक मिनट तक भूनेंगे। मसाले भून गए हैं फ्रेंड्स। अब इसमें ये दो टमाटर की जो हमने प्यूरी बनाई थी, इसको हम ऐड कर देंगे और ये देखिए इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे। एक मिनट तक इसको हम ढक के पकने देंगे। एक मिनट बाद देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए टमाटर अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम ये बॉयल्ड चने ऐड कर देंगे। ये देखिए बॉयल्ड चने हमने ऐड कर दिए और इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए जैसे इसको हमें मिक्स करना है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे, थोड़ा ही नमक डालना है क्योंकि बॉईल करते समय भी हमने नमक डाला था फ्रेंड्स, इस हिसाब से आप थोड़ा ही नमक डालिएगा। अगर आपको थिक छोले पसंद है तो आप थिक छोले बना लीजिए, और अगर आपको थोड़े से ग्रेवी चाहिए छोले में तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हम एक कप पानी ऐड करेंगे। ये देखिए एक कप पानी है, इसमें ऐड कर लेंगे। और ये हमने जो पनीर अभी भूनी थी वो ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। अब इसको ढक के हम 5 मिनट तक पकने देंगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए छोले हमारे अच्छे से ये देखिए पक गए हैं। देखिए इसको हल्का सा, ये देखिए इससे आप हल्का सा ऐसे मैश कर लीजिए। ये देखिए हल्का सा ऐसे मैश कर लीजिए और ये देखिए हमारे छोले एकदम रेडी हैं। अब इसमें हम हरी धनिया ऐड कर देंगे, ये देखिए, और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। छोले बन गए हैं, अब हम भटूरे बनाएंगे। 15 मिनट बाद देखते हैं। ये देखिए आटा हमारा सेट हो गया है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है आटा और थोड़ा सा फूल भी गया है, फ्लफी हो गया है। ये देखिए इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला था थोड़ा सा, इस वजह से थोड़ा सा फूल भी गया है। अब थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाएंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको अच्छे से एक बार हम ऐसे गूँथ लेंगे। ये देखिए ऐसे हम अच्छे से गूँथ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स आटा हमारा एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसके भटूरे बनाएंगे। एक कढ़ाई लेंगे और फ्लेम को ऑन करेंगे और भटूरों को फ्राई करने के लिए इसमें ऑयल डाल देंगे। ये देखिए हम ऑयल डाल देंगे। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा तब तक हम भटूरों को बेल के तैयार कर लेंगे। उंगलियों में हम मैदा लगाएंगे पहले और एक भटूरे के लिए हम ऐसे लोई बनाएंगे। देखिए
ऐसे हम लोई बनाएंगे और गोल शेप कर लेंगे। ये देखिए गोल शेप में किया, ऐसे ही एक और ले लेंगे और ऐसे गोल शेप में बनाएंगे। देखिए मैदे में ऐसे कोट करेंगे और इसको हम मैदे में कोट करके ये देखिए ऐसे बेलेंगे। थोड़ा सा मैदा लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखिए आपको जो शेप पसंद हो फ्रेंड्स उस शेप में आप बेल के इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इसको गोल शेप में हम बेलेंगे और इसको थोड़ा सा हमें मोटा बेलना है। ये देखिए ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा हल्का सा मोटा बेलना है। ऑयल भी हमारा गरम हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा हम आटा डाल के देखेंगे कि ऑयल गरम है कि नहीं। ये देखिए ऑयल हमारा एकदम गरम है, अब इसको हम निकाल लेंगे। जब भी आप भटूरे बनाएं तो एकदम गरम ऑयल में बनाएं। ये देखिए हम भटूरों को ऐसे इसमें भटूरे को इसमें डालेंगे और ये देखिए कलछी से हल्का हल्का इसको ऐसे प्रेस करेंगे, हल्का हल्का करेंगे। ये देखिए हल्का हल्का इसको ऐसे प्रेस करते रहेंगे। ये देखिए भटूरा हमारा फूल गया है और लाइट ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। अब इसको ऐसे पलटेंगे, ये देखिए साइडों को हम ऐसे करते हुए पका लेंगे चारों तरफ से। ये देखिए ऐसे करते हुए चारों तरफ से हम भटूरे को पका लेंगे। भटूरा सिक गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसको कलछी को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करते हुए हम भटूरे को निकाल लेंगे। ऐसे ही हम और भटूरे बना लेंगे। लोई लेंगे और आटे से इसको कोट करेंगे, इसको ऐसे प्रेस करेंगे और अच्छे से इसको हम बेल लेंगे। ऐसे इसको थोड़ा सा मोटा बेलते हुए भटूरे को हम गोल शेप दे देंगे। ये देखिए ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ये देखिए थोड़ा सा मोटा करना है। इसको हम ऑयल में डाल के फ्राई करेंगे। देखिए ऑयल में डाला और ऐसे ही इसको हल्का सा ये देखिए प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हल्का सा इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए भटूरा फूल रहा है, अब इसको हम पलट लेंगे और चारों तरफ से ऐसे प्रेस करते हुए और घुमाते हुए सब किनारों को हम पका लेंगे। अगर आपने छोले बनाए हैं तो आप इंस्टेंट ऐसे ही भटूरे बना सकती हैं। ये भटूरा हमारा हो गया है, अब इसको हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स हमारे छोले और इंस्टेंट भटूरे बनके तैयार हैं। ये काफ़ी क्रिस्पी बने हैं भटूरे हमारे, क्योंकि इसमें हमने रवे का यूज़ किया है। अगर आपने छोले बनाए हैं और आपको भटूरे बनाने का मन है तो इंस्टेंट भटूरे आप इसी तरह से बना के सर्व कर सकती हैं सबको। तो फ्रेंड्स आपको हमारी छोले भटूरे की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। नमस्कार, बाय बाय।